हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निधि हेल्थ योगा डाइट एंड लाइफस्टाइल में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही एक शानदार स्वीट डिश, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है, वह है रबड़ी। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसके लिए मैंने लिया 1.5 लीटर मिल्क, इसमें आप क्रीम वाला लिया है मैंने फुल क्रीम मिल्क, 1 बाउल शुगर लिया है, 1/2 बाउल क्रश किया कोकोनट लिया है, 1/2 बाउल किशमिश लिए हैं और 1 बाउल ड्राई फ्रूट्स लिया है। और आप शुगर अकॉर्डिंग योर टेस्ट के ले सकते हो, अगर आप कम मीठा खाते हो तो आप कम शुगर लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा, क्योंकि 1.5 लीटर में 1 बाउल शुगर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पैन में हम गर्म करेंगे और इसको हमने गैस पे रख लिया है, इसको एक उबाल आएगा, फिर हम इसको सिम करके इसे कम से कम जब इसका 1/4 तक इसको हम काफ़ी पकाना है, फिर हम ये सब चीज़ डालेंगे, तो इसको काफ़ी हमें उबालना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी कम होती रहेगी, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आप ये देख सकते हो कि दूध की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, काफ़ी कम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, इसको हम डालेंगे 1 बाउल और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, और ये मेरा ड्राई फ्रूट्स, इसको मैंने क्रश करके डाल लिया है और हम इसको अच्छे से और पकाएंगे। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, बिकॉज मेरे पास है नहीं तो मैंने ये सब डाल दिया है। और इसके ऊपर डालेंगे क्रश किया हुआ कोकोनट, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। और ये सभी अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा होकर करेंगे, बिकॉज जब जब ठंडा होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा और फ्रीज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, तो इसको हम बंद कर देंगे। फ्रेंड, तैयार है रबड़ी, बनके तैयार हो चुकी है और ये ठंडी हो चुकी है और यह कुछ इस तरह से लग रही है, वाओ। और मैं इसको इंजॉय करने वाली हूँ, तो आई होप फ्रेंड यू इंजॉय माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़, आजकल अगर आपको कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हो तो आप होममेड रबड़ी बना सकते हो और ये बहुत ही ऑसम है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।